हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. आई एम अविनाश, एन एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आई होप दैट आप सब लोग बड़े ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे. यू नो दैट एवरी डे वी कम अप विद द लीगल ब्रेकिंग कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स. Today in the Supreme Court, a very important event I am talking about. Today in the Supreme Court, the additional Solicitor General of India, K.M. Nataraj, told the bench that bringing uniform law for inheritance, maintenance, and divorce is within the domain of legislature, right? ASG, that is Additional Solicitor General of India, K.M. Nataraj Sahab, ने Supreme Court में ये बताया बेंच को कि यूनिफॉर्म लॉ मेंटेनेंस के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, डिवोर्स के लिए होना चाहिए और इसके तहत जो लॉ बनाना है वो लॉ बनाने का पावर दैट इज विद इन द कन्फाइनमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, राइट. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट The Additional Solicitor General of India, K.M. Nataraj Sahab, ने रखा है कि there should be uniform law and uniform law बनाने का जो right है, जो prerogative है, that is within the domain of legislature. For what? For maintenance, inheritance and the divorce, right? For any upcoming news with regard to this, I shall be keeping you all updated. We all know that कि uniform civil law और uniform civil code that is under article 44 of the constitution of India. This is one of the directive principles of state policy और इस पे discussion, इस पे चर्चा होना बहुत ही important है. जैसा कि central government कह रही है और central government चाह रही है कि इसको scrap किया जाए. Uniform civil code जो आर्टिकल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आर्टिकल 44, मेरा स्क्रैप कहने का मतलब यहां पर यह था कि जो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में है इसको डीपीएसपी से हटा करके एनफोर्सिएबल, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, एनफोर्सिएबल नहीं है, तो इसको एनफोर्सिएबल बनाया जाए, ठीक है. तो इस पर जो भी अपडेट्स होंगे उससे मैं आपको बिल्कुल रूबरू कराता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा एंड आई विल कीप यू अपडेटेड, राइट. सो एवरीवन प्लीज स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एनी एंड ऑल अदर रेलेवेंट अपडेट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स. थैंक यू.